आए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर टू है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखा था कि हमारे पास एक डेटा होता है उसको हम प्रोसेस्ड फॉर्म में करते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं ये हमने इसमें इसमें बताना है कि द डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड एंड ऑर्गनाइज इज़ कॉल्ड वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एंड दिस इफॉर्मेशन इज़ अपटेन फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसमिटेड टू आर डिस्टेंट प्लेसेस जो कि मैंने आपको बताया था इन द फॉर्म ऑफ साउंड भी हो सकता है पिक्चर भी हो सकता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी हो सकता है या किसी भी तरीके से हम उसको भेज सकते हैं ये ना हमारे पास इसको ना दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है जिसमें हमारे पास पहली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है टेली कम्युनिकेशन अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फॉर प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इट अ बेटर वे टू अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर साइंटिफिक मैथड इज यूज विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि हमारे पास बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास इफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है और अगर टू कम्युनिकेट द प्रॉपर इफॉर्मेशन टू ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली अ मेथड इज़ यूज्ड विच इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन यानी कि अगर एक जगह से हमने दूसरी जगह इंफॉमेशन भेजनी हो तो वो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन कहलाता है देन आईसीटी को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं इसी की बेसिस पे कि आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड एंड मींस टू स्टोर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट ऑफ इफॉर्मेशन इन सेकंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो इसमें आपने यही लिखना है कि पहले आप आई की डेफिनेशन लिख दें कि इसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं प्रोसेस कर रहे होते हैं ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन अ सेकेंड और इसके अलावा बता दें कि इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है इसमें टेली